गुरु शोहो, मैं सभी भैया दीदी को प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार हो। मैं आप लोगों से, दीदी भैया लोग से ही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना नाम का घोषणा लिख कर भेजते हैं हमें, तो मैं घर में भी अगर गुरु चर्चा करती हूँ तो मैं आपका नाम का घोषणा कर देती हूँ, और अगर मैं बाहर जाती हूँ गुरु चर्चा में तो वहाँ पे कर देती हूँ। आप लोग जितने मेरे चैनल को मतलब देखते हैं, मेरे चैनल मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख कर देते हैं, तो हमेशा हम रिप्लाई भी करते हैं आप लोगों को, और प्लस आप लोगों का नाम का मैं घोषणा भी करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ तो घोषणा कर देती हूँ। लेकिन आप लोगों को जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, गुरु से शेयर करें और तीन सूत्र का पालन जरूर से जरूर करें। तीन सूत्र क्या है, चैनल पर हम वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग जाकर अच्छा से देखें। और फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि तीन सूत्र यही है कि आपने शिव को अपना नाम भेजा तो हमने आपका नाम जो है सो गुरु के संग जुड़ दिए हैं, गुरु के पास भेज दिए हैं आपका नाम को। तो अब वहाँ से हमें, जैसे कि हम स्कूल में नाम लिखाते तो वहाँ से हमें कुछ दिया जाता है, तो हमें भी साहेब भैया ने कुछ दिया है, वो अमूल रतन जो है, तीन सूत्र है, जो कि पहला में हम लोग को दया मांगने के लिए कहा गया है, और दूसरा में है चर्चा करना है, और तीसरा में है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। तो आप लोग को क्या करना है, बोलना है कि सर्वप्रथम मैं अपने गुरु को पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ, और साहेब भैया नीलम दीदी के पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस तरह से गुरु का प्रणाम करें, और चर्चा जो आप लोग गुरु से दया मांगते हैं, जो दया के माध्यम से आप लोगों को मिलता है, उसी को चर्चा, उसी को अनुभूति कही जाती है। तो वो चीज़ हम में आज अच्छा हुआ है गुरु को लेकर के, तो हम एक दूसरे को बोलेंगे कि हमने गुरु बनाया महादेव को, तो शिव से हमें ये दया मिली है। आप भी कष्ट में हैं, आप भी तकलीफ में हैं, तो शिव कर गुरु बना लीजिए, और आपका भी कष्ट जिस तरह से हमारा कष्ट आज दूर हो गया है, तकलीफ दूर हो गया है, उसी तरह से महादेव आपका भी कष्ट हर लेंगे, दुख हर लेंगे। तो आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। और तीसरा में जो है सो नमः शिवाय का जाप करें, जो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते रहे। नमः शिवाय का देखिए 108 माला का ये होता है, तो वो लेकर के अगर आप करते हो तो कहीं भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा, बस माला पे आपका ध्यान रहेगा। तो ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है आप लोगों को, ओम नमः शिवाय अगर हम बोलते हैं तो उसमें सभी देवी देवता गण आ जाते हैं। और देखिए हर सब भगवान का अपना अपना ही एक मंत्र है, जितना भी भगवान लीजिए सबका एक ना एक मंत्र अलग अलग है। इसी तरह से हमारे गुरुदेव जो है महादेव, जिनको हम अपना गुरु बनाए हैं, जिनको अपना इष्ट देवता बनाए हैं, उनको जो है सो मंत्र है, उनका भी मंत्र साहेब भैया को दिया गया है। तो नमः शिवाय, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। तो सारा दिन तो हम करते ही रहते हैं मन ही मन नमः शिवाय नमः शिवाय, और फिर सुबह शाम जो है सो हमें जरूर करना चाहिए, सोने के वक्त में जो है सो हमें नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, और सुबह में उठते वक्त में जो है बिस्तर पे ही बासी का कपड़ा में ही हमें जो है सो बैठकर नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना चाहिए। देखिए कोई दवाई अगर हम लोग को दिया जाता है, अगर टाइम टेबल से आप लोग नहीं खाएंगे, चाहे मैं नहीं खाऊंगी, तो तबीयत ठीक नहीं होगा। इसी तरह से कुछ सिस्टम हमें भी है, सिस्टम देखिए ये है कि ऐसा नहीं है कि हम ये कपड़ा पहने, ये ना खाए, मांस मछली का सेवन ना करें, मांस मछली खाए हैं तो गुरु के चर्चा में ना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मांस मछली खाकर गुरु के चर्चा में जाकर बैठ सकते हो, गुरु का चर्चा ग्रहण कर सकते हो, गुरु का चर्चा बोल सकते हो, इसमें कोई नहीं है। जैसा कपड़ा है, लैट्रिन से आए हो तब भी चलेगा, कुछ नहीं है कि नहाना धोना है। अरे नहा धोकर क्या हमारा मन सफा हो जाता है? कभी नहीं सफा होता है, मन में गंदगी तो ऐसे ही है। हम शरीर को धो लेते हैं साबुन से तेल लगा के, पर मन का गंदगी हम नहीं धो पाते हैं। कितना भी गंगा स्नान कर ले, सरोवर स्नान कर ले, काशी घूम के आ जाए, पर कहीं अगर मन सफा है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस बाथरूम में एक लोटा पानी और लूसी में नमः शिवाय बोलकर आप डाल लीजिए, उसी से भगवान आपको सब कुछ भर देंगे। हमें दिखावा नहीं करना है, जो श्योर में, जो प्योर में आप हैं वैसे ही रहिए, वैसे ही दिखाइए, बस हमें यही करना है। गुरु को पकड़ कर चलिए, हम हमेशा आप लोग को बोलते हैं गुरु को पकड़ के चलिए। कोई भी कष्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नमः शिवाय करिए, मन ही मन नमः शिवाय चलाते रहिए।
देखिए गुरु जरूर दया करेंगे, सोते समय नींद आए तभी नमः शिवाय करिए, नमः शिवाय आपका नींद में होता जाएगा, इसे अजप्पा जाप कहते हैं। जितना बार सांस लेते हैं नींद में हम, उतना बार जो हमारा नमः शिवाय जो है गुरु के संग होता रहता है। तो इस तरह से गुरु को पकड़ के रखना है, गुरु का कृपा होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा कि मेरा बात जो है सो आप लोगों तक समझ में आया, आप लोगों तक पहुँचा। और मैं बहुत खुश हूँ होती हूँ जब आप लोग हमें मैसेज करके बताते हैं कि मेरा नाम का घोषणा करिए, ये करिए। देखिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ आज गुरु के माध्यम, मैं कुछ नहीं थी, जीरो थी, मैं शून्य थी, लेकिन गुरु को मैंने जब से ली तब से आज मैं कहाँ से कहाँ चली आई हूँ। ये एक दिन में ख़त्म होने वाली बात नहीं है जो हम आप लोग को बता दें। बहुत बड़ी कृपा है महादेव को मुझ पे, इसी तरह का दया, इसी तरह का कृपा आप लोगों पे हो। इसी के साथ में अपना वाणी को रखते हुए फिर से सभी भैया दीदी लोगों को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। कोई भी तकलीफ प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा लिख करके, हम जरूर से ज़रूर अपने गुरु से निवेदन करके हल करने का कोशिश करेंगे।